आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आपने कभी ना कभी अपना जो वोटर आईडी कार्ड है वो बनवाया है, या ये हो सकता है कि आपका जो वोटर कार्ड है वो आपके पास था लेकिन अब वो खो चुका है। आप ये भी कह सकते हैं कि आपका वोटर कार्ड बना हुआ है लेकिन आपके पास वोटर आईडी कार्ड का नंबर नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे घर बैठे केवल और केवल 2 मिनट में जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो आप निकाल सकते हैं। उसके लिए अगर आपके पास एपिक नंबर, वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं भी है, या मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं भी है, फिर भी आप अपना जो नंबर है उसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप भी अपना जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है बिना किसी एपिक नंबर के यहाँ पे निकाल सके। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जब से आधार कार्ड आया है, जब से वोटर आईडी कार्ड की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मान लीजिए आपके पास अगर कोई चीज है तो वो आपके पास होनी भी तो चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, अगर आपको मतदान करना है तो उसके लिए वोटर आईडी कार्ड की जरूरत पड़ती है। ऐसे में आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है, voters.eci.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां से आप जब भी क्लिक करते हैं इस लिंक पे तो आप हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट हमने आपको बताई है यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्च इन इलेक्ट्रोल रोल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपके सामने देखिए कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ईपीआईसी द्वारा खोजें, सर्च बाय एपिक। अगर हमारे पास एपिक नंबर होता ही फिर हम ढूंढते ही क्यों, फिर तो हम वैसे ही अपना जो वोटर कार्ड है उसको डाउनलोड भी कर सकते, उसको मंगा भी सकते, फिर तो जो भी प्रॉब्लम है खत्म ही यहाँ पे हो जाएगी। सेकंड है सर्च बाय डिटेल, इसको बाद में देखते हैं। लास्ट वाला है मोबाइल द्वारा खोजें, अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता फिर भी आप क्यों यहाँ पे सर्च करते, आप मोबाइल के जरिए फिर तो बड़े आराम से जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है उसको निकाल सकते हैं। ना तो आपके पास एपिक नंबर है, ना आपके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है जो कि वोटर आईडी कार्ड में था। अब आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सर्च बाय डिटेल। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो भी स्टेट है, आपका जो भी फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सरनेम है, आपके फादर का, हस्बैंड का, जो भी नेम है, जो भी आपकी जन्मतिथि है, आप पुरुष हैं या महिला हैं, जो भी आपका जिला है, जो भी आपकी असेंबली है, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी तो आप अपना जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले राज्य, तो आपका जो भी स्टेट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर भाषा का चयन करें, सेलेक्ट लैंग्वेज, आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। वैसे तो ये है कि आपके स्टेट के हिसाब से ही लैंग्वेज यहाँ पे आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम अपनी जो लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। मान लीजिए अगर आपका फर्स्ट नेम भी है, मिडिल नेम भी है और लास्ट नेम भी है, जैसे मान लीजिए आपका नाम है आकाश कुमार शर्मा, तो आकाश और जो कुमार है वो आपको फर्स्ट नेम में डालना है, जो सरनेम है वो आपको उपनाम में यहाँ पे डालना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आप फर्स्ट नेम में ही यहाँ पे डाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे नेम डाल देते हैं। हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम और जो लास्ट नेम है वो यहाँ पे डाल दिया है। फिर आपको यहाँ पे फादर नेम और हस्बैंड नेम, जो फर्स्ट नेम है यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर कोई महिला है, शादी हो चुकी है, तो यहाँ पे उनको हस्बैंड नेम का फर्स्ट नेम डालना है और यहाँ पे लास्ट नेम डालना है। किसी का लास्ट नेम नहीं है तो आपको फर्स्ट नेम ही यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। फिर आपको यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डाल देनी है। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो आप आयु के हिसाब से भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे जो भी जेंडर है, पुरुष हैं, महिला हैं, या जो भी थर्ड जेंडर हैं, जो भी हैं, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको अपनी जो भी असेंबली है वो असेंबली आपको यहाँ पे सर्च कर लेनी है। फिर नीचे आपको यहाँ पे कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। देखिए यहाँ पे जो एपिक नंबर है वो यहाँ पे आ चुका है। अगर आपका
कुछ भी यहाँ पे गलत होगा, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, चाहे नेम, चाहे फादर नेम, अगर आपका कुछ भी थोड़ा बहुत भी गलत हुआ और डेटा से अगर मैच नहीं हुआ तो आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे जीरो आएगा, नो रिजल्ट फाउंड आएगा। तो आपको ये देख लेना है कि आपका जो नेम था वो क्या था, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या थी, आपका फादर नेम उसमें कौन सा डाला था, या स्पेलिंग वगैरह जो भी है वो आपको वहाँ पे चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आप थोड़ी बहुत भी गलती करेंगे तो ये जो रिजल्ट है ये यहाँ पे आपका नहीं आएगा। जैसे कि फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, व्यू डिटेल्स पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपका नेम आ जाएगा इंग्लिश में, हिंदी में नेम आ जाएगा, आपका जो भी हस्बैंड नेम है, फादर नेम है, उनका इंग्लिश में नेम, हिंदी में नेम, ठीक है, जो भी एज वगैरह है वो यहाँ पे आ जाएगी, जेंडर आपका यहाँ पे आ जाएगा, मेन है EPIC नंबर, एपिक नंबर, देखिए ये मेन है एपिक नंबर, इस एपिक नंबर से ही आपको सारे काम पड़ने वाले हैं, ठीक है, ये एपिक नंबर हो गया, आपका जो भी राज्य है, आपका जो भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जो भी है वो आपका आ जाएगा, विधानसभा कौन सी है आपका जाएगा, मतदान केंद्र आपको जो मतदान है वो कहाँ करना है, आपको वोट कहाँ डालना है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, जो भी भाग संख्या है, पार्ट नंबर है जो भी, ठीक है, सीरियल नंबर है, और जो भी है वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे देखिए मतदान सूचना प्रिंट, आप इस वोटर स्लिप को आप प्रिंट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे है, आप जो मतदान है वो तो इस स्लिप से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर वोटर आईडी कार्ड नंबर निकालना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको ये जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो मंगाना है, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधे हाथ पे सबसे जो नीचे वाला नंबर है VLO, इनको आपको कॉल करना है, यहाँ पे जब आप अपनी स्लिप निकालेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको इनको कॉल करना है और बताना है कि सर ऐसे ऐसे मेरा जो वोटर आईडी कार्ड है वो खो चुका है, टूट चुका है, तो मुझे अपना वोटर आईडी कार्ड मंगाना है। तो आप इनको जो भी अपने आधार कार्ड वगैरह है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो दे सकते हैं, तो ये आपका वोटर आईडी कार्ड मंगाने में आपकी मदद करेंगे। और मान लीजिए आपने इनको कॉल किया और ये मना कर रहे हैं कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन करना है, जो भी करना है मंगाना है, तो उसके लिए भी हम जल्द ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे कि आप वोटर आईडी कार्ड नंबर से अपना जो वोटर आईडी कार्ड है वो घर पे पीवीसी वाला, प्लास्टिक वाला वोटर आईडी कार्ड कैसे मंगा सकते हैं, ये भी हम जल्द ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाने वाले हैं। बाकी सब कुछ हमने इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपके पास एपिक नंबर ना हो, आपके पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड ना हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपको कुछ पूछना है, आपको कैसी भी कोई भी समस्या आ रही है वोटर आईडी कार्ड से संबंधित, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम हमेशा से आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत